दोस्तों एक तरफ तो कावड़ यात्रा को लेकर जो मुजफ्फरनगर का रूट है जहां से कावड़ यात्रा गुजरेगा, जो कावड़ मार्ग है वहां पर मुसलमानों ने अपने दुकानों पे, अपने ढाबों पे, अपने रेहड़ी पे नाम लिख दिया है। प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि नाम लिखना जरूरी है, अगर नाम नहीं लिखा जाएगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप इस तस्वीर को देखिए जो कि मुजफ्फरनगर का ही है। बताया जा रहा है ये तस्वीर मुजफ्फरनगर के उस रोड का है जहां से कावड़ यात्रा गुजरेगा, और यहाँ पे आप देखिए कि कुछ मुसलमान जो है वो डिवाइडिंग करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देखिएगा कि इसमें डिवाइडर लगाते हुए मुसलमान दिखाई दे रहे हैं। जहां पर बताया ये जा रहा है आप खुद ही देख लीजिए। निगार परवीन कहती है कि आप खुद ही देख लीजिए, जिस मुजफ्फरनगर में नफरत फैलाने वाले नाम दिखाने में उलझे हुए हैं, उसी मुजफ्फरनगर में मुसलमान कावड़ की तैयारी में जुटे हुए हैं। आगे लिखा गया है आप इनको कपड़ों से भी पहचान सकते हैं। तो दरअसल ये मामला आप देखेंगे कि किस तरीके से बड़ा है। कावड़ का जो रूट है, जो कावड़ मार्ग है, वहां पर प्रशासन की तरफ से ये इजाजत दिया गया है कि जो भी मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो भी दुकान वाले हैं, ढाबे वाले हैं, उनको बोर्ड पे नाम लिखना जरूरी है कि वो दुकान किसका है और ओरिजिनल नाम होना चाहिए। अब जिसको लेकर क्या बवाल मचा हुआ है आप देख रहे हैं। बीजेपी के अंदर से ही आवाज उठ रही है कि ये जो किया गया है वह असंवैधानिक है। इससे लोगों के अंदर अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, ये आवाजें बीजेपी के अंदर से ही उठ रही है। लेकिन आपको इससे पहले वीडियो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से प्रशासन के लोग पहुंचते हैं, जो जिसका जो ढाबे के मालिक हिंदू है उनसे कहा जाता है कि आपके पास जो मुसलमान काम कर रहे हैं उसे आप निकाल दीजिए। इसके बाद होता यह है कि जो मुसलमान उस ढाबे में काम कर रहे थे, जो ढाबा हिंदू का था, उनको मजबूरी में मुसलमानों को नौकरी से निकालना पड़ता है। ये सुबह के वीडियो मैंने आपको दिखाया है, आप देखिए जाकर तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि ये चार मुसलमान जो एक हिंदू ढाबे में काम करते थे उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। लेकिन आप ये तस्वीर भी देखिए जो कि कावड़ के दौरान का ये तस्वीर है, और इन तस्वीरों में आप देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मुसलमान क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही मुसलमान है कि जिनको अभी अपने नाम लिखने के लिए रेहड़ी के ऊपर, दुकान के बोर्ड के ऊपर कहा गया है, और ये वही मुसलमान है जो इससे पहले कावड़ यात्रा में जो कावड़ी कावड़ लेकर रोड से गुजरते थे उनको खिलाया पिलाया जाता था, शरबत पिलाया जाता था, उनके पैरों पे पानी मारा जाता था। ये वही मुसलमान है, लेकिन आज उन्हीं मुसलमानों को अपना नाम बताना पड़ रहा है कि मेरा नाम आरिफ है, मेरा नाम जावेद है, ताकि इससे क्या हो सकता है ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन बताया जा रहा है इससे कोई कंफ्यूजन ना हो, ये सरकार और प्रशासन की तरफ से ये तर्क दिया गया है कि इससे कंफ्यूजन ना हो, लेकिन असल मकसद क्या है वो आप अच्छी तरीके से समझते हैं। अब देखिए ये तस्वीर लोग साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से जब कावड़े कावड़ लेकर गुजरते थे तो यही मुसलमान थे जो उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, लेकिन आज देखिए उनके साथ क्या किया गया। आज उनको अपने दुकान पे अपना नाम लिखने पे मजबूर कर दिया गया है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जिसको लेकर आपको काफी बवाल भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी के अंदर से ही आवाज उठ रही है कि ये जो किया गया है ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। ये बीजेपी के अंदर से ही आवाजें आ रही है। अब इसको लेकर आगे क्या खबरें आएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आप अपनी राय इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जो कुछ आपको देखने को मिला है उसके बारे में भी जरूर लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।